एक बार फिर छत्तीसगढ़ पुलिस के पारिवारिक सदस्य अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठ चुके हैं। बताया जा रहा है कि देर रात उनके नेता उज्जवल दीवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रावणभाटा मैदान पे पुलिस के पारिवारिक सदस्य सम्मेलन करने पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवार एक बार फिर आंदोलन पर है। जिस तरीके से यहाँ पुलिस परिवार को एक कमेटी गठित की गई थी कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बात चाहे वीकेंड की हो या लंबी जो उनको छुट्टी दी नहीं जाती है उसकी हो, ऐसी कई मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, जो एडीजी जो हिमांशु गुप्ता है उनके नेतृत्व में। लेकिन एक महीने बीतने के बाद भी कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है और एक बार फिर यहां पर पुलिस परिवार पूरी तरीके से आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो हम यहां पर इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या है पूरा मामला। देखिए सर, ये सबको पता है, ये पुलिस सुधार का मुद्दा राज्य में छिड़ा हुआ है, जवानों का हित छिड़ा हुआ है, परिजनों का हित और उनका अधिकार उनका सम्मान की लड़ाई छिड़ी हुई है लगातार। इस बार ये था आयोजन होना था जो राज्य सरकार के आदेश पे हिमांशु गुप्ता हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि राज्य के पुलिस जवानों परिजनों की जो मांगे हैं उस पर ये विचार करें और तैयार करके रिपोर्ट सरकार को सौंपे एक महीने में। एक महीने 7 तारीख को पूरे हो गए, 7 जनवरी को पूरा हो गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सब कुछ अभी सस्पेंस है। आज 10 तारीख हो गए, सब कुछ अभी गुप्त है, सस्पेंस है। तो हमें बताना चाहिए रिपोर्ट में क्या आया है, रिपोर्ट सार्वजनिक करें कि जवानों के हित में क्या निर्णय लिए गए हैं। हमें पता होना चाहिए, जवानों को परिजनों को पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं पता, सब कुछ ब्लाइंड है, अंधेरे में है। और यहाँ पर आज सम्मेलन का कार्यक्रम था, सम्मेलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। पुलिस परिवार की महिलाओं को क्या समस्याएं, क्या हमारी समस्याएं बहुत सारी हैं। जितने मांगे रखे हुए थे, हम लोग पिछले बार भी आए थे, 6 तारीख 9 तारीख 28 की हम लोग का पूरे मांगे हुई थी। उसमें से आश्वासन मिला हुआ था कमेटी के द्वारा कि आप लोग का मांग 1 महीने में पूरा किया जाएगा। उसी आश्वासन को याद दिलाने का भी 1 महीना हो गया, उसी आश्वासन को याद दिलाने के लिए हमको आना पड़ा। और ये हम लोग कोई रैली और ये ऐसा कुछ करने नहीं आए थे, एक सम्मेलन था जिसमें हम लोग उपस्थित थे, सार्वजनिक रूप से सभी लोग आए हुए थे। और यहाँ आने पर ये पता चला कि उज्ज्वल भैया को ही लोग कल रात से अरेस्ट कर लिए हैं। अब तो मुद्दा ये है कि पहले उनको रिहा करें, इसके बाद भी हम लोग अभी आपने कार्रवाई करेंगे। अब हम लोग को जो करना होगा अब हम लोग करेंगे। जब तक उज्ज्वल नहीं आएगा तब तक तो यहीं रहेंगे, नहीं होगा तो थाने का घेराव करेंगे। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर।